सहायता में विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, जिस प्रकार से अमूल ने अनेक क्षेत्र के अंदर काम किया है, सिर्फ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ही नहीं, स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम अगर आजादी के बाद किसी एक संस्था के माध्यम से हुआ है, तो मैं आंख मूंद कर कह सकता हूं कि अमूल के माध्यम से हुआ। अभी अवार्ड्स मिल रहे थे अलग अलग कैटेगरी में, आप किसी ने गिना नहीं होगा, मैंने गिन लिया, 90% बहने थी। इसका मतलब इस सहकारिता आंदोलन का प्राण गुजरात की माताएं बहने हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 53,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा है, इसका प्राण मेरी गांव की गरीब माताएं और बहने हैं, और ये अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता करना, एक वेटरनिटी डॉक्टरों का झाला बुन लेना, अच्छी नस्ल की चिंता करना, उनके लिए स्वास्थ्यपूर्ण खुराक के अलग अलग प्रयोग करते 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 गुजराती में जिसको दाण कहते हैं, इसकी फैक्ट्रियां लगाना, और किसान को जब चारे की कमी हो तब वो दाण देना, इसका मिक्स मॉडल भी देना, छोटे छोटे पशुओं के रोगों के लिए उनको जागरूकता लाना, और एक प्रकार से डेयरी क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एक संपूर्ण बछड़ी जब से जन्म ले तब से लेकर वो किसी को जन्म दे तब तक की पूरी व्यवस्था यहां अमूल के तत्वाधान में वैज्ञानिक रूप से तैयार हुई है मित्रों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी कारण श्वेत क्रांति का स्वप्न जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था, वो श्वेत क्रांति का स्वप्न आज सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। मगर आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि अमूल ने आगे देखने का समय आ गया है। सोढ़ी साहब बैठे हैं यहां, उनको मालूम नहीं है कि मुझे बुलाने में लोग क्यों झिझकते हैं। मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ काम देकर जाता हूं। मित्रों, हमारी जो सहकारी आंदोलन की सक्सेस स्टोरीज हैं, इन्होंने सहकारिता को बढ़ाने के लिए योगदान देने का समय आ गया है। कृषि और पशुपालन के साथ जुड़े हुए कई सारे विषयों को हाथ में लेकर उसको कोऑपरेटिव बेसिस पर आगे ले जाने का समय आ गया है, और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का भी समय आ गया है। और ये अगर करना है तो मैं मानता हूं हमारी सक्सेस स्टोरी वाली सहकारी समितियों ने निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा। आप इस 36 लाख परिवार तक सीमित रहेंगे, ऐसी सोच ठीक नहीं होगी। अगर त्रिभुवन दास भाई ने ऐसा सोचा होता तो अमूल आनंद के बाहर निकलता ही नहीं। उन्होंने ये दो गांवों की नहीं सोची, एक जिले की नहीं सोची, पूरे गुजरात का सोच कर ये पूरा आंदोलन खड़ा किया। इसके लिए एम्पायर खड़ा हुआ।